नमस्कार, माई सेल्फ मलिका परवीन, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बीकानेर। आज हम LLB फाइनल ईयर के सब्जेक्ट सिविल प्रक्रिया संहिता सिविल प्रोसीजर कोड में भाग चार के मामले पढ़ेंगे। भाग चार में क्या है, विशिष्ट मामलों में वाद, यानी कोई स्पेशल जो वाद होते हैं, जो शूट होते हैं, उनमें कौन सी प्रोसीजर फॉलो करनी पड़ती है वो देखते हैं। ठीक है, तो उसमें हम कहाँ से कहाँ तक देखते हैं, सेक्शन 79 से स्टार्ट करते हैं कि 79 में बताया है ये जो विशिष्ट मामलों में वाद है, ये पहले तो कौन से किसके विरुद्ध दायर किए जाते हैं या कौन दायर करता है, तो सरकार द्वारा या उसके विरुद्ध, यानी या तो सरकार के द्वारा या सरकार के विरुद्ध, या अपने पदीय हैसियत में कोई लोक अधिकारी द्वारा या उसके विरुद्ध कोई भी वाद संस्थित किया जाता है, तो उसमें कौन सी प्रोसीजर फॉलो होती है, या कैसे वाद संस्थित किया जाता है, या कब उसको कोर्ट में बुलाया जा सकता है, कब नहीं बुलाया जाता, ये दिया हुआ है भाग चार में, सेक्शन 79 से लेके 82 तक इसमें बताया हुआ है कि अगर सरकार के द्वारा या सरकार के विरुद्ध कोई वाद संस्थित करना है तो कैसे प्रोसीजर की जाती है। ठीक है, तो ये भाग चार में बताया। अब आता है सेक्शन 79। सेक्शन 79 कह रहा है कि सरकार के द्वारा या उसके विरुद्ध वाद, यानी कोई वाद शूट बाय द अगेंस्ट गवर्नमेंट, कि सरकार के द्वारा या सरकार के विरुद्ध कोई वाद संस्थित करना है तो कैसे किया जाएगा, चाहे सरकार उसमें वादी के रूप में हो, चाहे प्रतिवादी के रूप में हो, के रूप में नामित किए जाने वाले प्राधिकारी के रूप में, यानी या तो सरकार खुद वाद कर रही है या सरकार के विरुद्ध वाद किया जा रहा है, यानी सरकार जहां खुद वाद करती है तो एज ए वादी प्लेंटिफ, या जहां सरकार के विरुद्ध वाद किया जाता है वहां डिफेंडेड है, तो किसके नाम से वाद किया जाएगा, कैसे वाद किया जाएगा, किसके विरुद्ध वाद किया जाएगा। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से संबंधित कोई मामला है, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है कोई वाद, या सेंट्रल गवर्नमेंट के विरुद्ध अगेंस्ट किया जा रहा है, उस जगह चाहे वादी हो चाहे प्रतिवादी हो, तो यूनियन ऑफ इंडिया लिखा जाएगा, भारत संघ लिखा जाएगा। मान लो एक रमेश नाम का व्यक्ति केंद्रीय सरकार के विरुद्ध वाद संस्थित करना चाहता है, तो रमेश वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, रमेश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया लिखा जाएगा। और ऐसे ही अगर राज्य सरकार के द्वारा या राज्य सरकार के विरुद्ध वाद संस्थित करना है तो वहां पर स्टेट लिखा जाएगा, ये प्रावधान सेक्शन 79 के एक प्रोसीजर बताती है जिसके द्वारा सरकार के द्वारा या सरकार के विरुद्ध कोई वाद संस्थित किया जा सकता है, यानी ये प्रक्रिया बता दी इन्होंने, प्रोसीजर बता दी कि अगर केंद्र सरकार के विरुद्ध वाद संस्थित करना है या राज्य सरकार के विरुद्ध या उनके द्वारा कोई वाद संस्थित करना है तो किसका नाम, पार्टी शूट में पार्टी के रूप में किसका नाम लिखा जाएगा, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट है तो यूनियन ऑफ इंडिया लिखा जाएगा, अगर स्टेट गवर्नमेंट है तो वहां सिर्फ ओनली स्टेट के नाम से वाद संस्थित किया जाएगा या स्टेट के विरुद्ध वाद संस्थित किया जाएगा। ठीक है, अब ये सेम प्रावधान हम कहाँ पे पढ़ते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 300 में। आर्टिकल 300 में ये बताया है कि केंद्र सरकार के द्वारा या केंद्र सरकार के विरुद्ध वाद संस्थित करना है, चाहे वादी एज ए वादी के रूप में चाहे प्रतिवादी के रूप में, तो वहाँ भारत संघ यूनियन ऑफ इंडिया लिखा जाएगा। ऐसे ही अगर राज्य के द्वारा या राज्य के विरुद्ध, सेम प्रोविजन दिया हुआ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 300 में, आर्टिकल 300 में बताया। एक आता है कि भारत संघ और भारत सरकार का अंतर, कि भारत सरकार के विरुद्ध क्या अपन भारत सरकार लिख सकते हैं, केंद्रीय सरकार के विरुद्ध वाद संस्थित करना है तो क्या भारत सरकार लिख सकते हैं क्या अपन, नहीं लिख सकते। भारत सरकार एक लीगल पर्सन नहीं है, उसकी कोई विधिक अपना कोई लीगल स्टेटस या निगमित निकाय नहीं है। यूनियन ऑफ इंडिया, भारत संघ एक निगमित निकाय है, उसकी एक विधिक कंडीशन है, विधिक स्थिति है। ठीक है, तो वहां पर भारत सरकार नहीं लिखा जाएगा बल्कि भारत संघ लिखा जाएगा,
यूनियन ऑफ इंडिया लिखा जाएगा। ठीक है, अब आता है सेक्शन 380 कह रहा है सूचना दिया जाना कि कोई भी विवाद संस्कृत किया जाता है, चाहे भारत सरकार के विरुद्ध किया जाए, केंद्र सरकार के विरुद्ध किया जाए या राज्य सरकार के विरुद्ध किया जाए, या केंद्र सरकार या राज्य सरकार के किसी लोक प्राधिकारी के विरुद्ध किया जाए जिसने अपने पदीय हैसियत में कोई काम किया है, तो उन केंद्र सरकार राज्य सरकार या लोक प्राधिकारी के विरुद्ध कोई विवाद तब तक संस्कृत नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे उसके बारे में सूचना न दे दी गई हो। यानी सूचना देनी जरूरी है कि आपके विरुद्ध ये बात संस्कृत किया जा रहा है। उस सूचना में क्या क्या बातें डाली जाएगी, उस सूचना में तीन बातें डाली जाएगी। कॉज ऑफ एक्शन यानी वाद हेतुक क्या है, कॉज ऑफ एक्शन होगा, साथ में वादी का नाम होगा और इसके साथ में होगा कि वादी का नाम, निवास, वर्णन, यानी संपूर्ण वादी का टोटल इंट्रोडक्शन होगा। इसके साथ में वो अनुतोष का दावा क्या करता है, यानी वादी क्या अनुतोष, क्या रिलीफ चाहता है, वो भी लिखा जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या क्या बातें लिखी जाएगी, सूचना देनी होगी, कब देनी होगी, 2 महीने पहले। कोई भी वाद संस्कृत करने से पहले 2 महीने पहले सूचना देनी होगी कि आपके विरुद्ध कोई वाद संस्कृत किया जा रहा है या किया जाना है। तो इसमें क्या क्या सूचना देगा, वो तीन बातों की सूचना देगा, कॉज ऑफ एक्शन, वाद हेतु की सूचना देगा, वादी का संपूर्ण नाम, पता, विवरण देगा, इसके साथ में क्या अनुतोष, क्या रिलीफ चाहता है, उसका भी उल्लेख बताएगा। ठीक है, लिखित सूचना लिखित देगा। ठीक है, अब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के विरुद्ध वाद की दशा में सेंट्रल गवर्नमेंट की के विरुद्ध कोई वाद संस्कृत करना है, एक्सेप्ट आ रहा है रेलवे से संबंधित मामले, उन सब में केंद्रीय किसको सूचना देगा, सरकार के सचिव को देगा, सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट सरकार के सचिव को देगा। यानी केंद्रीय सरकार के विरुद्ध कोई वाद संस्कृत करना है, एक्सेप्ट रेलवे के अलावा उन सब मामलों में सरकार के सचिव को सूचना देगी। यानी वो लिखित नोटिस किसको दिया जाएगा, सरकार के सचिव को दिया जाएगा। और अगर केंद्रीय सरकार के मामलों में रेलवे से संबंधित कोई वाद है तो वहाँ रेल के प्रधान ऑफिसर DRM को, जनरल मैनेजर ऑफ द रेलवे, यानी जो रेल का प्रधान प्रबंधक होता है, जो DRM होता है, उसको सूचना दी जाएगी। ठीक है, और अगर जम्मू कश्मीर की राज्य सरकार के विरुद्ध कोई वाद संस्कृत करना है, उस दशा में जम्मू कश्मीर स्टेट के मुख्य सचिव के को सूचना देनी होगी। ठीक है, मुख्य सचिव को, और या उस सरकार के द्वारा कोई ऑथराइज या प्राधिकृत अन्य कोई सक्षम प्राधिकारी है, और कोई ऑथराइज प्राधिकारी है तो उसको दी जाएगी। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर के विरुद्ध सूचना देनी है तो किसको दी जाएगी, जम्मू कश्मीर में तो मुख्य सचिव को, या जम्मू कश्मीर राज्य की सरकार के द्वारा कोई ऑथराइज्ड प्राधिकारी है अन्य, तो उसको दे दी जाएगी। और अगर किसी राज्य सरकार के विरुद्ध वाद की दशा में सूचना देनी है तो किसको दी जाएगी, उस सरकार राज्य सरकार के सचिव को या जिले के कलेक्टर को सूचना दी जाएगी, या तो कलेक्टर को सूचना दी जाएगी या किसको दी जाएगी, सेक्रेटरी को सूचना दी जाएगी। ठीक है, अब वाद संस्कृत करना है मान लो, तो सूचना देने के 2 महीने के अवसान होने के बाद में ही, मतलब जब सूचना दी, सूचना देने की तारीख से 2 महीने जब पूरे बीत जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, तब उस लोक अधिकारी के विरुद्ध या सरकार के विरुद्ध या सेंट्रल गवर्नमेंट के विरुद्ध कोई वाद संस्कृत करना है तो तब किया जाएगा। वाद पत्र में ये लिखा जाएगा, वाद पत्र में ये बात लिखी जाएगी
जो संबंधित प्राधिकारी था उसको सूचना दे दी गई थी या उसके पते पर सूचना छोड़ दी गई थी, यानी वो कहेगा वाद पत्र में ये बात लिखेगा कि संबंधित प्राधिकारी को या उसके कार्यालय में 2 महीने पहले ही सूचना छोड़ दी गई थी या उसको दे दी गई थी, ठीक है, ये बात लिखी जाएगी। नेक्स्ट आता है सेक्शन 18 सब क्लोज 2। 18 सब क्लोज 2 ये कह रहा है कि अगर सरकार के, जिसमें जम्मू कश्मीर राज्य की सरकार भी शामिल है, के विरुद्ध कोई वाद संस्थित करना है और लोक अधिकारी ने अपने पदीय हैसियत में कोई काम किया और लोक अधिकारी के विरुद्ध कोई भी तुरंत और अत्यावश्यक वाद संस्थित करना है, तुरंत अनुतोष अभिप्राप्त करने के लिए वाद करना है। मान लो सूचना देने से लेट हो जाएगा, जो अनुतोष मिलना है वो जो सक्षम सही अनुतोष है वो नहीं मिल पाएगा, रिलीफ नहीं मिल पाएगा, तो वहाँ पर न्यायालय की इजाज़त से परमिशन, न्यायालय की परमिशन लेके उपधारा 1 यानी 80 का सेक्शन 80 सब क्लोज 1 की पालना किए बिना ही सूचना की तामील किए बिना ही वाद संस्तुत किया जा सकता है। यानी न्यायालय को ये समाधान करा दिया जाए कि सेक्शन 80 सब क्लोज 1 यानी कि सूचना देने से लेट हो सकता है, जो अनुतोष मिलना है वो सही नहीं मिलेगा, यानी वाद ऐसा है कि अत्यावश्यक है और तुरंत अनुतोष अभिप्राप्त करना है, वहां सूचना देने में लेट हो सकता है। अगर न्यायालय परमिशन दे देता है, कोर्ट परमिशन दे देता है, तो इजाजत दे देता है, तो फिर बिना सूचना के भी वाद संस्तुत किया जा सकता है। किंतु परंतु बट न्यायालय वाद में अनुतोष चाहे अंतिम अंतरिम या अन्यथा, या तो अंतोष जो दे रहा है वो अंतरिम दे रहा है, अंतोष अंतरिम दे रहा है, या अदरवाइज अन्य कोई दे रहा है, तो सरकार या लोक प्राधिकारी को अंतोष के भाव हेतु दर्शित करने का अवसर देने के पश्चात करेगा, अन्यथा नहीं। यानी न्यायालय कहेगा कि हाँ आपने बिना सूचना दिए वाद संस्तुत कर दी, ठीक है, लेकिन न्यायालय उस वाद में कोई भी अंतोष चाहे अंतरिम दे रहा है चाहे अन्यथा कोई भी अनुतोष दे रहा है, वो उस लोक सरकार को या लोक प्राधिकारी को के विरुद्ध जो अनुतोष दिया जाना है को वाद हेतुक दर्शित, यानी उन्हें अवसर देगा सुनवाई का, उन्हें सुनवाई का अवसर दिए बिना न्यायालय कोई भी अनुतोष प्रदान नहीं करेगा। न्यायालय लोक सरकार या लोक प्राधिकारी को वाद में अनुतोष के बाबत, यानी जो रिलीफ न्यायालय देना चाह रहा है उस पर वाद हेतु पर न्यायालय सरकार या लोक प्राधिकारी को सुनवाई का अवसर देगा, सुनवाई का अवसर दिए बिना न्यायालय कोई भी अनुतोष प्रदान नहीं करेगा। और यदि परंतु न्यायालय को लगता है कि पक्षकारों को सुनने के पश्चात समाधान हो जाता है कि कोई मतलब न्यायालय में पहले तो क्या परमिशन ले ली कि हमें तुरंत कार्रवाई करनी है लोक प्राधिकारी के विरुद्ध या सरकार के विरुद्ध, और न्यायालय ने इजाजत दे दी वाद संस्तुत कर दे, लेकिन बाद में न्यायालय ने पक्षकारों को सुना और उसे लगता है कि ऐसे कोई मामला नहीं था जिसमें इमीडिएट रिलीफ चाहिए या तुरंत अनुतोष प्रदान करने की आवश्यकता ही नहीं, तो न्यायालय के वाद पत्र को वापस कर देगा और कहेगा कि पहले उपधारा 1 सेक्शन 80 की सब क्लोज 1 की पालना करके आओ, यानी पहले सूचना दे के आओ उसके बाद में आप वाद संस्तुत कीजिए, ठीक है, ठीक है, ये बताया 80 सब क्लोज 2 में। नेक्स्ट आता है 80 सब क्लोज 3। 80 सब क्लोज 3 ये कह रहा है कि सरकार के विरुद्ध ऐसे कार्य के बाबत जिसके लोक प्राधिकारी को पदीय हैसियत में किया कोई भी वाद इस कारण खारिज नहीं किया जाएगा कि उसमें त्रुटि देने या उन सूचना देने में कोई त्रुटि या दोष था। यानी सरकार या उसके किसी लोक प्राधिकारी जिसने पदीय हैसियत में कोई काम किया है और उसके विरुद्ध प्राधिकारी ने कोई काम किया और उनके विरुद्ध कोई वाद संस्तुत किया जाता है तो कोई भी वाद इस कारण खारिज नहीं किया जाएगा कि सेक्शन 80 सब क्लोज 1 में जो सेक्शन 80 सब क्लोज 1 की जो पालना में सूचना दी गई थी वो उस सूचना देने में कोई गलती हुई है, कोई मिस्टेक हुई है, कोई त्रुटि है, कोई दोष है,
इस आधार पे वाद खारिज नहीं किया जाएगा। सूचना में क्या क्या बातें डालेगा वो यहाँ सेक्शन 80 सब क्लोज 3 में का फर्स्ट पॉइंट बता रहा है कि सूचना में वादी का नाम होगा, वादी का निवास स्थान वर्णन होगा, ठीक है, जो कि सूचना की तामील करने के लिए व्यक्ति की शिनाख्त यानी पहचान करने के लिए, यानी पूरा मतलब उसको पता तो चले लोक प्राधिकारी को कि भी कौन से व्यक्ति ने किस क्या नाम है, कहाँ पे रहता है, क्या उसका वर्णन है, कि मतलब वो पहचान कर सके, इतना इतनी बात उस सूचना में डाली जाएगी, यानी वादी का नाम वर्णन निवास स्थान इस प्रकार दिया जाएगा कि तामील करने वाले प्राधिकारी व्यक्ति की शिनाख्त करने में समुचित प्राधिकारी या लोक अधिकारी को समर्थ हो सके, और वो ये कार्य वो अपने समुचित प्राधिकारी जिस भी लोक प्राधिकारी को सूचना दी गई वो अपने कार्यालय में समुचित कार्यालय में ये परिदत्त करेगा, या तो वो उसको छोड़ दिया जाएगा। मान लो रेलवे के किसी लोक सेवक पर सूचना की तामील करने सूचना भेजने, तो वादी ने अपना नाम पता निवास पूरा लिख दिया, अब जिसके विरुद्ध करनी है वो खुद नहीं मिला तो उसके प्रधान के कार्यालय में या समुचित जो प्राधिकारी ऑथोरिटी होता है उसके कार्यालय में छोड़ दी जाएगी सूचना। तो मान लिया जाता है कि सूचना दे दी गई है, और दूसरी बात क्या होगी, सूचना में वाद हितुक होगा, कॉज ऑफ एक्शन होगा, ठीक है, और इसके साथ में रिलीफ क्या चाहता है वो लिखा जाएगा, ठीक है। तो इतनी बातें सेक्शन 80 में बताई है कि सूचना में किसको सूचना दी जाएगी। दूसरा कह रहा है तुरंत 80 सब क्लोज 2 ये कह रहा है कि तुरंत आवश्यक हो तो वहाँ सूचना दिए बिना भी न्यायालय वाद दायर करने की परमिशन दे सकता है, और 83 यह कह रहा है कि उस सूचना में अगर कोई त्रुटि है या कोई इसमें दोष है तो भी वाद खारिज नहीं किया जाएगा, वाद खारिज नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये बताए हुए थे इसमें। अब आता है सेक्शन 81। सेक्शन 81 ये कह रहे हैं, 81 ये कह रहा है गिरफ्तारी और सभी उपसंजाति से छूट प्रदान कर रहा है कि किसी भी कार्य के लिए जो लोक प्राधिकारी ने अपनी पदीय हैसियत में किया था, यानी लोक सेवक ने लोक प्राधिकारी ने अपनी ड्यूटी के दौरान उसने कोई काम किया था और उस कार्य के लिए ही उसके ऊपर कोई वाद संस्थित किया जाता है तो उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा या स्वयं उपसंजाति यानी अरेस्ट भी नहीं किया जाएगा और पर्सनल अपीयरेंस के लिए भी नहीं बोला जाएगा। कहाँ पर नहीं बोला जाएगा, इसका फर्स्ट पॉइंट कह रहा है डिग्री के निष्पादन से अन्यथा, यानी जहाँ डिग्री का एग्जीक्यूशन हो रहा है उसके अलावा किसी भी लोक प्राधिकारी को जो उसके पदीय हैसियत में काम किया गया है उसके विरुद्ध कोई वाद संस्थित किया गया है तो उसको ना तो गिरफ्तार किया जाएगा ना ही उसकी प्रॉपर्टी अटैचमेंट की जाएगी, उसकी संपत्ति अटैच की जाएगी। कि अगर डिग्री का एग्जीक्यूशन हो रहा है उसके विरुद्ध तो उसको अरेस्ट किया जा सकता है या उसकी प्रॉपर्टी अटैच की जा सकती, लेकिन अगर डिग्री का एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा तो फिर अगर लोक प्राधिकारी की पदीय हैसियत में कोई वाद उसके विरुद्ध संस्थित हुआ है, फाइल हुआ है और डिग्री का एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा तो उसे अरेस्ट भी नहीं किया जाएगा ना ही उसकी प्रॉपर्टी को अटैचमेंट किया जाएगा, उसकी संपत्ति को कुर्क भी नहीं किया जाएगा। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड कह रहा है जहाँ न्यायालय को समाधान हो जाता है कि लोक प्राधिकारी लोक सेवा का उपकार किए बिना अपने कर्तव्य से अनुपस्थित हो सकता है, वहाँ उसे सभी उपसंजाति से, मान लो पर्सनल अपीयरेंस से न्यायालय को लगता है कि वो उसे पर्सनल अपीयरेंस कहने यानी स्वयं उपसंजात होने को कहा जाएगा तो लोक सेवा का उपकार भी यानी वो अपनी ड्यूटी से विदाउट डिटरमिन हुए बिना नहीं हो सकता या अपने कर्तव्य मतलब उसकी जो सेवा है
उसको हानि होगी। लोग जो कर्तव्य है, ड्यूटी है, उसका उपकार किए बिना अपने कर्तव्य से वो अनुपस्थित नहीं हो सकता। यानी जो उसकी विदा, ये कह रहा है, कैन नॉट एब्सेंट हिमसेल्फ फ्रॉम द ड्यूटी विदाउट डिटरमाइंड टू द पब्लिक सर्विस, इट शैल एग्जम्प्ट हिम फ्रॉम अपेयरिंग टू इन पर्सन। ठीक है, कि अगर उसे लगता है कि ये न्यायालय को लगता है कि अगर इसको पर्सनल अपीयरेंस कहेंगे तो ये अपनी ड्यूटी को अपकार करेगा या उस अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर पाएगा, तो वहां पर न्यायालय क्या करता है, उसे पर्सनल अपीयरेंस से छूट दे देता है कि आपको उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट आता है सेक्शन 82, डिग्री का एग्जीक्यूशन, कि अगर कि कोई डिग्री सरकार के द्वारा या सरकार के विरुद्ध ऐसे कार्य के लिए आती है जो लोक प्राधिकारी ने या तो कि सरकार के विरुद्ध आई या सरकार के किसी लोक प्राधिकारी के विरुद्ध आई जिसने अपने पदीय हैसियत में कोई कार्य किया और उस कार्य के विरुद्ध के वाद संस्थित हो गया और डिग्री आ गई, तो कोई भी डिग्री अगर भारतीय सरकार के विरुद्ध, राज्य की सरकार के विरुद्ध या लोक प्राधिकारी के विरुद्ध कोई पारित की जाती है, कोई भी डिग्री अगर 82 कह रहे हैं कि अगर कोई डिग्री भारत सरकार, राज्य सरकार या लोक प्राधिकारी के विरुद्ध पारित की जाती है तो उस डिग्री को एग्जीक्यूशन नहीं किया जाएगा। यानी कोई भी डिग्री आ गई उनके विरुद्ध तो उसको पारित, डिग्री पारित की जाती है उपधारा 2 के उपबंधों के अधीन रहते हुए ही उसको निष्पादित किया जाएगा। यानी डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि सरकार के विरुद्ध, सेंट्रल गवर्नमेंट के विरुद्ध, स्टेट गवर्नमेंट के विरुद्ध या किसी पब्लिक सर्वेंट के विरुद्ध, ऑफिसर के विरुद्ध कोई डिग्री आ गई तो उसको डायरेक्ट ही उसका एग्जीक्यूशन नहीं किया जाएगा। उस डिग्री का एग्जीक्यूशन उपधारा 2 यानी सब सेक्शन 82 के सबसेक्शन 2 के अंडर रहते हुए उसका निष्पादन एग्जीक्यूशन किया जाएगा। ठीक है, उपधारा 2 क्या कह रही है? उपधारा 2 ये कह रही है कि किसी भी डिग्री यानी कोई भी डिग्री अगर सरकार, भारत सरकार, राज्य सरकार या लोक प्राधिकारी के विरुद्ध आती है तो उस डिग्री को की आने की तारीख से 3 माह तक, 3 माह की अवधि तक डिग्री तुष्ट ना होने पे ही डिग्री के तुष्ट होने का आवेदन ऑर्डर निकाला जाएगा। यानी कोई डिग्री आ गई और वो 3 महीने तक उसका एग्जीक्यूशन नहीं हो पाता है, 3 मंथ कम, ठीक है, 3 महीने तक एग्जीक्यूशन नहीं हो पाता तब ही उसके एग्जीक्यूशन का ऑर्डर निकाला जाएगा, अन्यथा नहीं निकाला जाएगा। ठीक है, 3 महीने तक डिग्री आ गई और 3 महीने तक उसको एग्जीक्यूशन नहीं हुआ, डिग्री की तुष्टि नहीं हुई, अनसेटिस्फाइड रही है, तो फिर उस डिग्री को निष्पादन के या तुष्ट करने का ऑर्डर दिया जाएगा, उसका एग्जीक्यूशन करने का ऑर्डर दिया जाएगा। उपधारा 3 ये कह रही है कि उपधारा 1-2 की दिशा में कोई, ये जो डिग्री पे जो प्रोविजन लागू हो रहे हैं वो आदेश पर भी, ऑर्डर पर भी और पंचायत पर भी लागू होते हैं, कि जो ऑर्डर और अवार्ड जो भी होते हैं उन सब पे जो डिग्री वाले प्रोविजन है वो अवार्ड और ऑर्डर पर भी लागू होते हैं। फिर आ रहा है ए उपधारा 3 का फर्स्ट पॉइंट, ये कह रहा है कि भारत सरकार या राज्य सरकार के लोक प्राधिकारी के विरुद्ध, चाहे अन्य प्राधिकारी के, यहाँ पर भारत सरकार या राज्य सरकार जो भी शब्द आया है, तो न्यायालय चाहे, कोर्ट अगर चाहे तो अन्य प्राधिकारी का भी इसमें नाम ऐड कर सकती है। फिर आ रहा है कि इस संहिता में किसी अन्य प्रावधानों के अधीन निष्पादित किए जाने योग्य ही मान, इस संहिता मतलब सीपीसी या अन्य कोई भी विधि है और उसके अधीन ऐसे ही निष्पादित किए जाने योग्य माने, मतलब इस सीपीसी या अन्य कोई भी ऐसी ऐसी लॉ है और जिसके उपबंधों के जो भी प्रावधान है या जो प्रोविजंस है उनके अंडर रहते हुए ही डिग्री का एग्जीक्यूशन किया जाएगा और कोई भी ऑर्डर निष्पाद एग्जीक्यूशन किया जाएगा कि मानो वो एक डिग्री ही हो। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर इसमें कुछ नहीं समझ आए तो आप प्लीज कमेंट करके पूछ लीजिएगा।